हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं अनीता सिंह, यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एवरीवन। मैं बता दूँ कि चलती हूँ, बस थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आप सभी से, क्योंकि आप सब हमारी यूट्यूब फैमिली हैं। यूट्यूब फैमिली से मैं बात कर लेती हूँ, मेरा पूरे दिन मन हल्का रहता है। कुछ भी हमारे घर में समस्या हो, कुछ भी परेशानी हो, जब मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ या डाल देती हूँ और आप सभी से बात करती हूँ, तो हमको बहुत आनंद मिलता है। बहुत अंदर से मेरी खुशी होती है कि मैं ये चीज़ सोचकर उसको खुशी करती हूँ कि लगता है कि मेरी आवाज़ आप सब मेरी सुन रहे हैं और हमको बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। फिर वन मैं क्या बताऊँ, दिल से आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सब हमको ये मैं क्या कहूँ, अपने खुद को एक पागल ही समझिए, एक अबला ही समझिए। एक पागल हूँ या अबला हूँ, एक औरत हूँ, बस आप सब यही समझकर मुझे सपोर्ट किए और आज भी करते हैं, क्योंकि हमको कुछ कहने के लिए ढंग नहीं है, नहीं बोलने के लिए ढंग है, नहीं वीडियो बनाने के लिए ढंग है, नहीं कुछ करने के लिए ढंग है। बस आप सबके साथ बातें कर लेती हूँ तो हमको बहुत आनंद मिलता है एवरीवन। मैं तो जीरो से भी ख़त्म हूँ और अपनी जो मेरी समस्या है मैं कितनी आप सबके साथ शेयर करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन ये कि हमारा मानव शरीर का एक ऐसा सोच होता है एवरीवन, हम यही सोचते हैं, खाली स्वार्थ ही बस हमारे अंदर घुसा रहता है, जो है हम हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है। इसी वजह से हमारे समाज में या हमारे घर में या हमारी फैमिली में एक दूसरे से नहीं बनता है। जहाँ हम आ जाता है एवरीवन, तहाँ उस चीज़ में हम बहुत ख़राब चीज़ होता है, लेकिन लोग ये हम जो है नहीं छोड़ते हैं, सोचते हैं ना कि हम हैं, हम ये काम किए, हम हर बात में हम लगाते हैं। तो मैं क्या बताऊं आप सभी से, बस बताना यही चाहूंगी कि कोई भी फैमिली हो सबको लेकर साथ चलना चाहिए और सबको समझना चाहिए। तो लड़की शादी करके आती है तो अपने माँ बाप त्याग कराती है, अपनी पूरे रिश्तेदारी त्याग कराती है एवरीवन। मैं ऐसा करती हूँ कि जो जितना लड़की हम त्याग कराते हैं अपने मायके से, उतने लड़के लोग से नहीं बनेगा। क्या लड़के लोग जाकर ससुरारी में चौका बर्तन, भोजन खाना या किसी चीज़ की, किसी बात की ताना सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं ना। लेकिन हमारे जैसे और हम स्त्री इतना मजबूत अंदर से होते, इतना मजबूत होते हैं कि सब कुछ सहते हुए सब कुछ करते हैं और आगे अपने लाइफ में बढ़ते रहते हैं। हमारे घर में एक से एक समस्या आता है, एक से एक परेशानियाँ आती है, हम सब उसको झेलते हुए चलते हैं। लेकिन अपना फैमिली को भी समझना चाहिए, फैमिली को भी एक दूसरे को साथ देना चाहिए। लेकिन हम एक औरत औरत के लिए ही दुश्मन बने रहते हैं घर में। एवरीवन, मैं ऐसे समाज में हूँ, मैं ऐसी परिवार से जुड़ी हुई हूँ, मैं क्या बताऊँ, मेरा हर रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, हर रोज़। मैं रियल बता रही हूँ एवरीवन, मैं अपनी वीडियो में बहुत शर्म लगता है, वो चीज़ डालने में बहुत शर्म लगता है, इतना शर्म लगता है कि मैं क्या बताऊँ मेरी फैमिली कैसी है। एवरीवन, एक बहू क्या कर सकती है अपने सास ससुर को, एक भाभी अपनी ननद के लिए क्या कर सकती है, आप सब कमेंट में हमको बताइए एवरीवन। मैं सात बहन थी एवरीवन, जब मेरी गावना होने लगा तो मेरी माँ यही कही, तुम ससुराल जा रही हो तो हमको जो कुछ हम दे रहे हैं तुम अपने पास मत रखना, तो अपना सास के हवाले जो भी सामान तेरा है सब तुम कर देना, क्योंकि तुम्हारा दो गो ननद है तो ये मत समझना कि ननद नहीं है, तुम्हारी बहन है। एवरीवन, मैं क्या बताऊँ अपने परिवार की कमी आप सभी से। और मैं ससुराल आई तो अपनी सास की गोद में अपने सर करके रोती थी और कहती थी, इसको पकड़ कर, कला को पकड़ कर, कि माँ जी आप हमको बहू मत मानिएगा, आप हमको बेटी मानिएगा, आपकी दो बेटी पहले से है और एक मैं आ गई हूँ तो हम तीन हो गए हैं, आप ये समझिएगा कि मेरी तीन लड़की है। पर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ एवरीवन, मैं सबसे लास्ट लड़की थी घर में। मेरे बाप ने, मेरे भाई भाभी ने बहुत सारा चीज़ हमको दिए, मैं क्या बताऊँ कितना चीज़ हमको मिला, इतना चीज़ हमको मिला कि हमको 5 साल तक आज तक हमसे घर से हम कुछ नहीं लिए हैं, एक पेट में भोजन छोड़कर कुछ नहीं लिए हैं। हाँ, आज ये करीब में कम से कम 2-4 साल से हमारे हस्बैंड हैं, साड़ी कपड़ा खरीद देते हैं, कि अन्य चीज़ हमको जब कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो हमारे मायके से हाजिर हो जाता है एवरीवन, और मिला जुला के सब कुछ चलते रहता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम ही को मिलता है, हमारे जैसी कि बहुत सारी औरतें हैं जो कि मायके वाले बहुत हेल्प करते हैं, करते रहते हैं, और बहुत लोग हैं कि नहीं भी करते हैं एवरीवन। लेकिन हमारी जो फैमिली है हमको नहीं समझी, कभी नहीं समझी
ये मेरी बेटी है। मैं उनसे यही अर्ज लगाती रही अपनी सास से कि आप ये कभी मत समझना कि मेरी बहू है, आप यही समझना कि मेरी बड़ी बेटी है। एक बहू क्या करती है एवरीवन, चौका बर्तन भोजन खाना कपड़ा लाता तेल जो सास ननद की होता है, तेल पानी घसना। पहले के ज़माने में जब मैं आई थी तो मैं लगाती थी, आज भी लगाने की इच्छा करता है एवरीवन। इस समय तो मैं वीडियो में झूठ नहीं बोलूँगी, इस समय मैं नहीं लगाती हूँ तेल, क्योंकि वो मेरी एक ही बात नहीं मानती है, एक भी बात नहीं मानती है, नहीं सुनती है, बस हमसे उल्टा हर समय उल्टे ही बात बोलती है। आज कल भी बोली थी और आज भी बोलती है, कभी वो सीधा हमसे बातें नहीं की एवरीवन। और जो ननद है, ननद तो अपने घर चली गई, ननद लड़की को क्या कहें, लड़की को तो जितना ही माँ बाप देंगे उतना ही लेंगे सब। मैं हूँ, हमारे ही माँ बाप देंगे हमको, तो घर से मिट्टी खपड़ा जो भी है अगर उन लोग देंगे तो मैं ले लूँगी ना। लेकिन हर लड़की नहीं लेती है, हर लड़की समझाती है अपनी माँ बाप को कि नहीं आप मत दीजिए, इसका हकदार कोई और है। अब हम लोग अपने घर आ गए हैं, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब इसका हर चीज़ की दूसरा हकदार है, उसका भी फैमिली हो, मेरा भी बच्चा हो गया बड़ा बड़ा एवरीवन, तो अब हमारी फैमिली जब खड़ा हो गया तो अब उन लोग की क्या चाहिए, यही ना चाहिए कि पीछे से एक छाया बनकर सपोर्ट करें, पर सपोर्ट लोग नहीं करते हैं, बस रोज़ कभी ये चीज़ में कभी कभी वो चीज़ में कभी। एवरीवन मैं 21 साल पर घर आई हूँ अपना, 21 साल मैं बाहर रही हूँ, कैसे बाहर रही हूँ, कितना कष्ट रही हूँ मैं जानती हूँ एवरीवन। किराए के मकान में रहना, और बच्चे हमारे जो थे वो भी बीमार थे, हरदम बीमार रहते थे, जब पैदा हुए तब से ही बीमार है, मैं बताई हूँ अपनी वीडियो में पीछे एवरीवन। बहुत कम इनको इनकम मिल रहा था, बहुत कम पैसा मिल रहा था, एक मजदूरी की तरह ये खटते थे, और मुश्किल से 2500-3000 रुपया मिलता था, और उसी में चार फैमिली को चलाना करना, बहुत मुश्किल से अपना होता है ना गुजारा भत्ता, तो गुजारा भत्ता करते हुए हम लोग 21 साल गुजार दिए। 21 साल के बाद हम लोग घर आए, घर आए तो ये नहीं हमारी फैमिली में क्या है, बस माता पिता है, सास ससुर हमारे, और अन्य कोई नहीं, मैं अकेली हूँ एवरीवन। ये नहीं लोग सोचते हैं कि हमारा तो दूसरा कोई है नहीं, यही है ये है, तो हम इसके साथ में ऐसा क्यों करते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों लोग करते हैं। कभी हमको बेटी नहीं मानी, कभी हमको बेटी या बहू नहीं मानी, बस यही मानती है ना कि पता ना क्या उनको मन में चलते रहता है, कभी कुछ की बहाना बनाकर, कभी कुछ की बहाना बनाकर मेरे साथ दम लगता है ना कि सास ही नहीं, मेरी माँ नहीं, ससुर भी हमारे साथ लड़ते रहते हैं एवरीवन। अब ससुर की मेरी बात सुनेंगे ना तो अब दंगित हो जाएंगे, ये कैसे कैसे वर्ड बोलते हैं, कैसे कैसे बात इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमारे ससुर जी ले जा रहे हैं, देख लीजिए ये जो गाय को दारा नहीं होता है तो वही गाय को दारा इसको मिल में देंगे, इसको दारा बनाने के लिए, तो वही लेकर जा रहे थे और मैं छत पर जा रही थी, तो देख सकते हैं यही हमारे ससुर जी। तो एवरीवन अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, तब तक के लिए धन्यवाद।